हेलो एवरीवन, आपका नए ब्लॉग में एक स्वागत करता हूँ। इस समय मैं हूँ मैहर में, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस समय बज रहा है 5:10। नहा धो के रेडी होकर बिल्कुल मैं रूम से निकल लेता हूँ। फिर यहाँ से माता रानी की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम लोग यहाँ से माता रानी के लिए चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर काफ़ी लोग जवारे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर माता रानी को जवारे चढ़ती हैं, इस कारण से काफ़ी लोग जवारे लेके आते हैं। वहीं के जो लोग लोकल के रहते हैं, ये देखिए आराम से धीरे धीरे लोग सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। और वहाँ पर पहाड़ भी हैं, छोटे छोटे पठार वाले पहाड़ हैं। जो उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं वो बड़े पहाड़ होते हैं और वो हरे भरे होते हैं। ये इतना पर यहाँ पर हरियाली कम है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं माता रानी के पास। ये देखिए जो ये भीड़ दिख रही है आपको, ये लाइन लगी हुई है माता रानी के लिए दर्शन करने के लिए। और हम लोग की लाइन ये वाली है, इस तरफ है, और इस तरफ से लग के उधर से घूम के आएंगे अंदर। जिस दिन मैं गया था उस दिन ये लास्ट नवरात्र था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये जो मंदिर देख रहे हैं यही माता रानी का मंदिर है, माँ शारदा, और इसी में हम लोग जाएंगे अभी दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर वापस आएंगे। तो आपको माता रानी के दर्शन करने के बाद वहीं पे थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और फिर उसके बाद आराम से नीचे उतरते हैं। जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं यही माता शारदा, इनके आप दर्शन करिए और आप जय माता दी जरूर लिखिएगा, वीडियो देखिएगा। जो भी उतरते समय ये पहाड़ देखिए, थोड़े छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलते, काफ़ी अच्छे और सुंदर लग रहे होते हैं। जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए रोपवे की सुविधा बनाई गई है, आप रोपवे से आ सकते हो। इसका टिकट मात्र 100 रुपये है, दोनों तरफ का साइड चार्जेस 100 रुपये है। आप आराम से आइए और आराम से जा सकते हैं और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। धीरे धीरे मैं उतर रहा था लेकिन मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, इस मारे मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी उतरने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा दर्द हो रहा था इस मारे क्योंकि काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, लगभग 1100 1150 सीढ़ी हैं इस मारे। ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने में अचानक से हल्का फुल्का होता, बाकी नॉर्मल था और कुछ नहीं था। जैसे कि आप भी चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ सकते हैं। नीचे तो मैं उतर जाता हूँ लेकिन फिर मेरा काम रहता है कि मुझे धर्मशाला ढूंढना होता है। धर्मशाला नहीं मिल रहा था क्योंकि नवरात्र का लास्ट दिन था, तो इस समय वहाँ पर जितनी भी धर्मशाला या होटल्स वगैरह थे सब फुल थे। तो एक धर्मशाला ढूंढते ढूंढते मैं आया लेकिन मिला नहीं मेरे को, और मिलेगा तो मैं बताऊँगा आपको। इसमें रूम को पता करने आया, पर रूम मेरे को नहीं मिला क्योंकि रूम कोई भी खाली नहीं बता रहे थे। 12 बजे आना, तो 12 बजे आएंगे फिर से, देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि रात में ट्रेन है ना, तो अब काफ़ी समय अभी तक 12-13 घंटा बैठना है अभी हम लोग को। रूम तो हम लोग को मिल जाता है, रूम मिलने के बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को निकलते हैं घूमने के लिए, तो उतने में ही देखते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है, तो बारिश के ही बीच में हम लोग वहीं दुकान पे फंस जाते हैं। लेकिन हम लोग अपना चाट वगैरह टिक्की वगैरह जो भी खाते हैं और खा पी के आराम से जब बारिश रुकती है चले आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय मैं आया हूँ टनकपुर उत्तराखंड में पूर्णागिरी मैया के दर्शन करने के लिए। मैं इस समय रूम में हूँ, ये रूम का मेरा व्यू है, और इस चलते हैं फ्रेश वगैरह होके फिर निकलते हैं माता रानी की चढ़ाई करने के लिए। मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ चाय पीने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कोई दुकान खुल जाए तो चाय पी लेता हूँ, पर एक दुकान खुली मिलती है और मैं चाय पी भी लेता हूँ। उसके बाद मैं सवारी ढूंढने लगता हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना है काफ़ी दूर। फिर हम लोग सवारी में बैठ के आ जाते हैं और फिर माता रानी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं और लोग सुबह सुबह काफ़ी चढ़ाई कर रहे होते हैं और हम लोग भी चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं धीरे धीरे और मैं भी चल रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर। इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पहले मैं मध्य प्रदेश गया, फिर उसके बाद मैं सीधे उत्तराखंड आ गया था पूर्णागिरी मैया के दर्शन करने के लिए, और मेरे साथ काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये देखिए पहाड़ काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं और मैं लाइन में लगा हुआ हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। लगभग मेरे को लाइन में खड़े 2-2.5 घंटे हो गए, उसके बाद मेरे को माता रानी के दर्शन मिले हैं। और ये आप जब नदी देख रहे हैं, ये शारदा नदी है और यहाँ पर पतली है, लेकिन जब मैं उधर नेपाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ये नदी चौड़ी हो जाती है। ऐसी मानता है कि जब आप पूर्णागिरी मैया के दर्शन करेंगे फिर उसके बाद आपको सिद्ध बाबा के दर्शन करना है, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं।